भाई इनके फलाफल क्यों इतने मज़े के होते हैं उसकी एक वजह ये है, ये फ्रेश फ्रेश फलाफल की ब्रेड जो होती है ना, ये फ्रेश अरेबिक ब्रेड यहाँ पे बन रही है। भाई मेरी गाड़ियों की जो विश लिस्ट है ना, उसमें से एक गाड़ी मैं रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इतनी ये गाड़ी मुझे पसंद है ना, हेलो जी, आज है ब्लॉग का डे नंबर 22। आज है जुम्मे का दिन, मैं आया हूँ इस वक्त ऑफिस। ऑफिस में है थोड़ा सा काम, थोड़ी सी जूम मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसके बाद जाना है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। जुम्मे की नमाज़ में रह गया एक घंटा और जुम्मे की नमाज़ के बाद मैं जाऊँगा आज अबू शकरा। अबू शकरा एक इजिप्शियन फूड चेन है जहाँ आपको मिलेगा ऑथेंटिक अरेबिक फूड। भाई हर रोज़ की तरह आज भी नाश्ता सुबह का मिस हो गया था, मैंने सोचा कि फलाफिल के लिए अबू शकरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि भाई अगर आप अबू शकरा गए और आपने फलाफिल नहीं ट्राई किया तो फिर आप अबू शकरा गए क्यों। तो अभी बस हम लोग मस्जिद पहुँच चुके हैं और नमाज़ पढ़नी है। मेरे साथ है अहमद, अहमद से मैंने आपको पहले मिलवाया। भाई मेरी गाड़ियों की जो विश लिस्ट है ना, उसमें से एक गाड़ी मैं रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जितनी ये गाड़ी मुझे पसंद है ना, नमाज में है अभी स्टिल आधा घंटा। अच्छा जी, नमाज पढ़ ली है, मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है अबू शकरा, जिनको पता है उनको पता है, DLD के ऑफिस के बिल्कुल सामने अबू शकरा और वो ही पीछे मस्जिद। तो अभी बस चलते हैं, फलाफल खाते हैं और भी देखते हैं क्या चीज़ें, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। भैया इनके फलाफल क्यों इतने मज़े के होते हैं उसकी एक वजह ये है, ये फ्रेश फ्रेश फलाफल की ब्रेड जो होती है ना, ये फ्रेश अरेबिक ब्रेड यहाँ पे बन रही है, ताज़ी ताज़ी निकल के ना ये। हाय हाय, ये ऑर्डर शॉर्डर हो रहा है, खाने का ऑर्डर दे दिया है। और चूँकि जुम्मे की नमाज़ के बाद यहाँ रश बहुत होता है, जैसे हमारे यहाँ बिरयानी की दुकान पे होता है, वो अहमद अहमद को हमने बोला भाई जाओ सामान लेके आओ। हर टेबल के ऊपर ना ये बारकोड लगा हुआ है कि आप ये बारकोड स्कैन करें, इसी में मेन्यू आएगा, इसी में ऑर्डर करें और यहीं पे कार्ड के थ्रू पे करें और आपके आपके लिए वहाँ से खाना बनके आपकी टेबल पे आ जाए। यार बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, DM कर रहे थे कि यार फलाना टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से जो मेरी YouTube फैमिली है उससे पूछूं। भाई आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा वेन्यू कवर किया जाए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। मुझे अच्छा लगता है लोगों की सजेशन लेना, लोगों की रिकमेंडेशन लेना, तो मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। कि व्लॉग जो है मैं बनाता हूँ, मिनी व्लॉग्स बनाता हूँ क्योंकि मेरा दिल करता है, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग्स बना बना के ना अपलोड करना। तो ये बेहतर हो जाएगा कि अगर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यार इब्राहिम भाई ये वाली जगह जाके कवर करो, इसका हमने बड़ा सुना है और XYZ जो भी है। तो आज यार इतनी कोई मसरूफियत थी नहीं, तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, एक हफ्ते से नींद पूरी हुई नहीं है, तो आज का कोई इतना ख़ास प्लान है नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ घर और घर जाके थोड़ा सा करना है रेस्ट, रेस्ट करने के बाद खाना वाना खा के ग्रोसरी लेने जाना है। मेरा प्लान है वॉक का, तबीयत चाहे जितनी भी ख़राब हो या मूड जितना भी डाउन हो, वॉक नहीं छोड़नी भाई। वॉक और जॉग, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं भाई, उसको जारी रखें बेहतर है। हम निकले हैं चाय पीने और जॉगिंग करने निकले थे, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था
कि 5 किलोमीटर का जो है वो माइलस्टोन है, आज डे नंबर 2 है, अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम निकल गया। तो अभी रास्ते में मैंने कहा ज़रा चाय शाय पी लें, क्योंकि खाने के बाद चाय नहीं पी जाती। मेरे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर रफाक। बस वॉक करते करते सोचा कि यार चाय शाय हो जाए, सुबह के लिए नाश्ता भी लेना था, मील्स अपना ओट्स वगैरह खजूरें ये ख़त्म हो गया था, तो सोचा कि थोड़ी सी ग्रोसरी भी हो जाए। फाइनली भाई सुपर मार्केट आ गए और यहाँ से चलते हैं, सामान वामान लेते हैं। ओट्स ढूंढो यार, ओट्स की जरा। यार भाई एक चीज़ मैंने नोट करी है, अभी आतिफ के गाने चल रहे हैं, गाने भी ख़तरनाक वाले भाई। पूरा सुपरमार्केट घूम लिए, ओट्स नहीं मिल के दे रहे भाई। 20 नंबर है ना, रो नंबर 20 में उसने बोला है कि ओट्स मिलेंगे। ये रहे फाइनली। ये लेने दो, ये ले लो। हाँ ये पैक ले लो। शॉपिंग जी हो गई है, ओट्स और खजूर दोनों ले लिए। बस चलते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। चाय के जी हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जिनमें से एक हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वो है टी पार्क। इनकी मसाला चाय इनकी सिग्नेचर है। यहाँ पे पूरे इलाके में यहाँ पे रश चेक करें आप, बहुत यहाँ क्राउड होता है। तो भाई वर्कशॉप भी हो गई है, सामान भी ले लिया है और 1 बज गया तकरीबन, निन्नी आ रही है बहुत ज़ोर की। तो बस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।